आज आपको ना एक बहुत ही आला चीज़ दिखाते हैं, तो जिसका हम आपको बताएंगे इसका काम क्या है, ये क्या करती है क्या नहीं करती। ये देखिए, ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन का नाम है जी सेटेलाइजर मशीन, ठीक है। ये इसका सारा ऑपरेट सिस्टम लगा हुआ है, कैसे कैसे ये ऑपरेट करती है, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे कि इसका काम क्या है, ये भी बताएंगे ये क्या क्या करती है, ठीक है जी। ये इसका सारा प्रोसेस है, ये है जी, ठीक है। ये मशीन है, ये इसके पीछे का सिस्टम है जी। ये देखें, ये इसका पैनल है। ये इसके पीछे जो ना हवा भरने के लिए, इसके अंदर ये हवा को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारा जो है ये दिखाते हैं आपको, ये देखेंगे। ये बहुत ही आला मशीन है। इस ये करती क्या है, ये माल को सेटलाइजर करती है, ठीक है जी। सेटलाइजर से मतलब कि जब माल के जो जरासीम होते हैं ना, जो ऑपरेट के दौरान जब ऑपरेट होता है, ठीक है, ऑपरेट जब होता है तो उसमें कोई भी जो है ना आइटम है, उसमें कोई भी जो है ना जरासीम ना रह जाए, जिससे जो है ना पेशेंट को मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। इस मशीन का ये काम है, ये सेटलाइजर करती है माल को। सेटलाइजर करने के बाद इसमें 8 घंटे से 10 घंटे का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये 8-10 घंटे इसमें रखा जाता है माल को भी, ये सेटलाइजर करती है। सेटलाइजर होने के बाद उसके ऊपर, माल के ऊपर एक चिट होती है, उसका कलर जो होता है ना वो ब्लू होता है। जब वो ऑरेंज हो जाता है तो पता चल जाता है कि माल सेटलाइजर हो गया है। फिर 8 घंटे के बाद से माल निकालने के बाद फिर जो है ना हम माल को जो है ना आगे पार्सल में पैक करते हैं, ठीक है। आपको ये भी दिखाता हूँ कि सेटलाइजर क्या कैसे होता है, माल वो क्या चीज़ है, किस तरह उसका कलर चेंज होता है। ये देखें, ये है वो, इसके अंदर होता है, ठीक है। ये देखें, ये कलर है इसका, ये कलर जो है ना फुल जो है ना डार्क ऑरेंज हो जाता है जब ये 8 घंटे बाद सेटलाइजर होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। माल सेटलाइजर ना हो, इसका कलर चेंज नहीं होता। तो ये आपको दिखाते हैं, इसको खोल के भी, ये अंदर से किस तरह की है, खोल के भी दिखाते हैं आपको अंदर से किस तरह की है। ये देखें जी, ये मशीन है, बहुत आला मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है ये, ठीक है। इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इस मशीन का, ठीक है जी। ये देखिए, ये जो है ना बाहर से चाइना से इंपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन चलने के लिए भी जो है ना सरकार ये टाइम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप हम इसको दिखाएंगे, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सभी जो आपको इसका हम बता रहे हैं। उसके बाद ये पीछे इसका एक और चीज़ है, लेकिन ये पहले आपको दिखाया था, ठीक है। इसके साथ इसका ये वेट वगैरह भी सारा सिस्टम ये लगा हुआ है। और चीज़ है, देखिए पीछे जो है ना इसके एक सिलेंडर पड़ा हुआ, आपको कहता है पड़ा हुआ, ये इसका जो इसको हवा देता है, ठीक है। ये देखें, ये सारा सिस्टम इसका मशीन का, मशीन के लिए बकायदा एक अलग रूम है, ठीक है जी। ये रूम है, यहाँ ये मशीन, ठीक है। यहाँ ये सारी मशीन का प्रोसेस होता है इसका। मैं ये देखे ना, ये इसके बड़े ज़्यादा प्रोसेस हैं, ये इसके अंदर लगा हुआ स्प्रिंग है, ये इसके अंदर जाता है, ये यहाँ से हवा को, ये हवा वहाँ से खींचता है, वहाँ से खींच के इसके अंदर ये आगे, ये सिस्टम जो आगे उसको अंदर लेके जाता है, ठीक है। ये ऊपर भी है। अगर एक और मसला है इसका, अगर इसमें से थोड़ी सी भी हवा लीक हो जाएगी ना, ये मशीन काम करना छोड़ देगी। तो एक दफ़ा हमारा ये हुआ था मसला, ये यहाँ से लीक हो गए थे, तो फिर हमने इसको चेंज करवाया। तो ये बड़ा इसका एक मसला होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको सेटेलाइजर जो है ना, अपना माल इसके अंदर रख के सेटेलाइजर कैसे होता है। लिहाजा आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे सर्जिकल के बारे में। तो ये आपने देख लिया मशीन, बहुत आला मशीन है ये।
चाइना से इंपोर्ट होती है या जापान से इंपोर्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाएंगे इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।